एम हुंडई और एस्ट्रो महिंद्रा एंड महिंद्रा आउटलेट में मौजूद है। अब ये सुविधा बिलावर के अंदर शुरू होने से बिलावर बसोली बनी के लोगों को काफ़ी सुविधा मिलेगी। आप इन दो कंपनियों की कोई भी गाड़ी बिलावर के एम हुंडई शोरूम में आकर खरीद सकते हैं, जिसका पता है एम हुंडई नियर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बिलावर अपोजिट वुडसा मिल। दूरभाष नंबर है 8493855057 और 7006423499। नमस्कार, छह की खबरनाओं में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ नेहा ठाकुर। चलिए रुक करते हैं जम्मू कश्मीर की तमाम बड़ी खबरों से। कठुआ के कीड़िया कंडियाल में आज बहु प्रतीक्षित तोहफा जम्मू और कश्मीर को मिल गया है। जी हां, आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पुल का उद्घाटन कर इस देश को समर्पित कर दिया है, जिससे कीड़िया कंडियाल के लोगों को काफी राहत मिलने वाली है। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, SSP कठुआ, भाजपा के जिला अध्यक्ष प्रेमनाथ डोगरा, कठुआ से पूर्व विधायक, हीरानगर से पूर्व विधायक और कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। जिला पुलिस कठुआ द्वारा सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए। कठुआ से सुदर्शन भार्गव के साथ श्यामलाल शर्मा की रिपोर्ट। BDO कार्यालय घगवाल में मंगलवार को नव निर्वाचित पंचों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें पंचायत अधिकारी विश्वजीत सिंह ने पंचों को शपथ दिलाई। उन्होंने शपथ ग्रहण करके अपना कार्यभार संभाल लिया है। शपथ ग्रहण समारोह में कुल 78 पंचों ने शपथ ली। कैमरामैन प्रदीप कुमार के साथ अखिल पंगोत्रा की रिपोर्ट। सांबा के दयानी इलाके में एक पेट्रोल पंप पर लुटेरों द्वारा 2 लाख की लूट को अंजाम दिया गया। इनोवा कार में सवार थे लुटेरे। ये घटना करीब 9:30 बजे की है। सांबा से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। ये का वाकया हुआ और लड़कों का कोई पता नहीं है, वैसे कहां से होंगे। गाड़ी पंजाब नंबर की गाड़ी थी। पहले अंदर आके फिर उन्होंने आके गन पॉइंट पे हमसे पैसे छीने। वो आके सिटी ऑफिस के आगे लगा दिए। लगाने के बाद एक बंदा अंदर चला गया गनमैन। हमने सोचा कोई डीआईपी गाड़ियों में आते हैं ना गनमैन, उसकी तरह था। तो उसके बाद 2 बंदे अचानक आ गए और उन्होंने बोला कि जो भी आपके पास है वो निकालो, जल्दी कर दीजिए। वो लात की मारा 2-4। कस्बा शहर के वार्ड नंबर 2 थर्मल कॉलोनी में उम्मीद योजना के तहत एक सिलाई सेंटर खोला गया है, जिसमें युवतियों महिलाओं को कटिंग टेलरिंग संबंधित जानकारी इस सिलाई सेंटर में सिखाई जा रही है। वहीं इस सिलाई सेंटर को चला रही अंजू शर्मा ने बताया कि सिलाई सेंटर को कुछ रोज पहले ही खोला गया है और अभी इसमें 10 से 12 की संख्या में युवतियाँ महिलाएं कटिंग टेलरिंग संबंधित प्रशिक्षण ले रही हैं और आने वाले समय में इस सिलाई सेंटर में युवतियों महिलाओं की संख्या में और ज्यादा इजाफा होगा और इस सिलाई सेंटर से कटिंग टेलरिंग जैसे प्रशिक्षण लेकर न केवल आत्मनिर्भर बनेंगी बल्कि एक रोजगार भी इससे हासिल करेंगी। कालाकोट से साहिल कॉल की रिपोर्ट। उनका नाम खुशी है, हम उम्मीद से जुड़े हुए हैं। तो उम्मीद की तरफ से मैंने लिया लोन 50,000 का और मैंने सिलाई सेंटर का काम शुरू किया है। तो इसमें बड़ा फायदा है, मैं औरतों को सिखा भी रही हूँ कपड़े सीने की। हमें उम्मीद से जुड़ के अब फायदा हुआ है, अच्छा लग रहा है। और का नाम लक्ष्मी नारायण है, बीओ का नाम वंदना ग्राम संगठन है, मेरा CLF आकाश है, क्लस्टर डी उसमें 12 BO हैं और 4 BO में कमेटी ट्रेनर का काम कर रही हूँ। हम अंजू, श्रीमती अंजू देवी है, इनको हमने बीओ से 50,000 दिया है और इन्होंने मशीनें ली हैं और यहाँ पे इन्होंने 3-4 लेडीज रखी हैं, वो सिलाई सेंटर का काम कर रहे हैं, सिखा रहे हैं उनको। पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश के चलते
त्रिकुटा पर्वतों और श्री माता वैष्णो देवी दरबार में हुई भारी बर्फबारी, तापमान में भी काफी गिरावट आई है, परंतु श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी देखने को नहीं मिली। बारिश के बीच भी श्रद्धालु रेनकोट पहनकर और छाते का सहारा लेकर माता के जयकारे लगाते हुए यात्रा आरंभ की। श्री माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए आए हुए श्रद्धालुओं ने बताया कि जब वो श्री माता वैष्णो देवी दरबार में पहुंचे, बर्फबारी हो रही थी। बर्फबारी के चलते उन्होंने काफी मनोरंजन भी लिया। कटरा से रोहित शर्मा की रिपोर्ट। माता वैष्णो देवी के दर्शन करने पिछले कुछ सालों से आ रहा हूँ, 7-8-10 सालों से आ रहा हूँ, लेकिन जो आज का नज़ारा था वो अद्भुत था। आज की नज़ारा इतना अच्छा था कि इतनी बर्फबारी मैंने अब तक नहीं देखी इतने सालों में माता रानी के दर्शन करने। JDC बिलावर के छात्रों ने जम्मू यूनिवर्सिटी के खिलाफ प्रदर्शन किया। पिछले दिनों में जम्मू यूनिवर्सिटी ने फिर एक ऐसा फैसला किया है जो कि केवल छात्रों के साथ अन्याय है। छात्रों ने जम्मू यूनिवर्सिटी के खिलाफ नारेबाजी की तथा JDC बिलावर के प्रिंसिपल को लिखित में अपनी मांग रखी। JDC बिलावर के प्रिंसिपल ने छात्रों को आश्वासन दिया है कि जल्दी ही यूनिवर्सिटी कोई फैसला सुनाएगी। बिलावर से दीपक शर्मा के साथ मिंटू खजूरिया की रिपोर्ट। और आज हमने जो यूनिवर्सिटी ने एक नया डिसीजन निकाला है जिसके तहत उन छात्रों को एडमिशन नहीं मिलेगी इनके पहले और तीसरे सेमेस्टर में कोई भी सब्जेक्ट री अपेयर है। तो आज इसी डिसीजन के विरोध में हमने एक कॉलेज में प्रदर्शन करा है और प्रिंसिपल सर को हमने मेमोरेंडम भी पेश करा है और अपनी बात उनके आगे रखी है कि यूनिवर्सिटी अपना फैसला बदले। इसी के साथ प्रिंसिपल सर ने हमें आश्वासन दिया है कि जल्दी ही यूनिवर्सिटी कुछ ना कुछ फैसला लेगी। नौशहरा के बॉर्डर से सटे गांव सेरी में हायर सेकेंडरी स्कूल की खस्ता हालत, बच्चों को पढ़ने में आ रही है दिक्कत। स्कूल की इमारत गिरने के कगार पर डीन के सरपंच रमेश चौधरी ने कहा कि जल्द से जल्द इस इमारत का पुनः निर्माण किया जाए। ये जो हाई सेकेंडरी स्कूल सेरी है हमारा, ये जो डीन कलाल और सेरी गगरोड से लेके सियाल तक एरिया है, बैरीपत्तन तक, ये एक ही हाई सेकेंडरी स्कूल है। मग्योट का भी जो एरिया है वो इसी में आता है, एक हाई सेकेंडरी स्कूल है हमारे इस सेरी। हाई सेकेंडरी स्कूल में काफी गांव है जो बच्चे दूर दूर से पढ़ने के लिए आते हैं। और मेरा ये मानना है कि जो स्कूल है PWD की, जहां पे एक ही बिल्डिंग बनाई गई है आज तक, बाकी जो बिल्डिंगें जितनी भी बनी हुई है वहां पे वो सब सद्भावना के तहत बनी हुई है। सरकार की तरफ से और सरकारी डिपार्टमेंट की तरफ से PWD की एक ही बिल्डिंग है जो बनी हुई है, वो भी इतनी खस्ता हाल है उस बिल्डिंग का। आप देखेंगे, आपने देखा कि बच्चों को वहां के इतने वो उसमें पानी टपक रहा है, बारिश एक बार बरसती है तो 10 दिन वहां में पानी टपकता रहता है। श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में एक दिवसीय फैसिलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का शुभारंभ आज से हो गया है। पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन द्वारा इस प्रोग्राम का शुभारंभ किया गया। कटरा से रोहित शर्मा की रिपोर्ट। तिरियात से सुंदर बनी रोड की बुरी हालत है, PWD इसकी कोई सुध नहीं ले रही है। आपको बता दें, यहां पर दिन भर 100 से 150 गाड़ियां आती जाती हैं, लेकिन रोड की खराब स्थिति की वजह से आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। तिरियात से अनिल गग्याल की रिपोर्ट। जिस तरह से हम बता दें, हम डिस्ट्रिक्ट जोरी जो आज काफी सालों से हमारे कालाकोट के अंदर इस तैयार से लेकर सुंदरबनी रोड के ऊपर काफी सारी डिमांड्स जो है हम लोगों ने इन लोगों तक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाई है। और बड़े बड़े हमारे अफसरान जहां से बड़े बड़े MLA मिनिस्टर तक हमारे यहां से निकले हैं, लेकिन आज तक इस चीज पे कोई भी गौर नहीं की गई है, क्योंकि हमने MLA तक भी ये बात पहुंचाई, मिनिस्टर तक भी इस बात को पहुंचाने की कोशिश की। बहुत बार उन्होंने हमने उनके तक बात पहुंचाई, लेकिन उन्होंने इस बात को इग्नोर कर दिया।
अरनिया तहसील के गांव सुहागपुर में एक अनजान व्यक्ति मिलने के कारण गांव में एक सन्नाटा छा गया है और सन्नाटा छाने के कारण मौके पर पहुंचकर पुलिस अधिकारियों ने उस व्यक्ति को अपनी हिरासत में लिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जम्मू सेक्टर अरनिया से शशि कुमार की रिपोर्ट। सीमा सुरक्षा बल द्वारा आज बच्चों को भारत भ्रमण के लिए भेजा गया। ये बच्चे भारत के विभिन्न ऐतिहासिक स्थलों का दौरा करेंगे और कई जानी मानी हस्तियों से भी मुलाकात करेंगे। जम्मू से रवि शर्मा की रिपोर्ट। हम 40 बच्चों को बाहर भेज रहे हैं जो दिल्ली, आगरा और भारत के दूसरे शहरों में जाएंगे। 8-10 दिन के लिए इनका प्रोग्राम है। इनको कुछ ऐतिहासिक जगह हैं वो दिखाएंगे, कुछ एक सीनियर ऑफिसर से वहाँ पर मिलाएंगे और एक संस्कृति से जोड़ने की जो है एक प्रयास हम लोग कर रहे हैं। पीडीडी लाइनमैन इम्तियाज अहमद गनी को लगा जोरदार करंट। गनीमत ये रही कि लाइनमैन की जान बच गई, लेकिन पीडीडी विभाग की लापरवाही का ये मामला बनता है जिसको प्रशासन को देखना चाहिए और लाइनमैन को उचित सहायता प्रदान करनी चाहिए। जेके खबरनाव के लिए इरफान विक की रिपोर्ट। पुंछ में ICDS द्वारा पुंछ प्रशासन के साथ मिलकर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ रैली का आयोजन किया गया, जिसमें DDC पुंछ राहुल यादव द्वारा हरी झंडी दिखाई गई। पुंछ से आकाश मलिक की रिपोर्ट। पता है कि हमारे पूरे इंडिया में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की एक मुहिम चली हुई है। उसमें पहले कुछ सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट लिए गए थे, उसमें 50 डिस्ट्रिक्ट पहले लिए गए थे, फिर उसको एक्सपेंड किया गया, 100 डिस्ट्रिक्ट लिए गए और उसके बाद उसमें अब जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं सभी डिस्ट्रिक्ट को उसमें इन्वॉल्व किया गया है। तो उसी मुहिम के तहत हमारे पुंछ में भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत जो डिफरेंट अवेयरनेस प्रोग्राम है वो स्टार्ट हुए। आज रामनगर को उधमपुर से जोड़ने वाली सड़क में लैंडस्लाइड हो गया, जिसके कारण यातायात पूरी तरह ठप हो गया। हमारे रामनगर के रिपोर्टर प्रदीप शर्मा ने बताया कि लगातार हो रही बारिश से लैंडस्लाइड होने से पूरी तरह यातायात बंद है और इतना ज्यादा स्नोफॉल हुआ है कि ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। रामनगर से प्रदीप शर्मा के साथ दीपक शर्मा की रिपोर्ट। जिला रामबन हंगनी नाचलना में एक ही परिवार के दो सदस्यों में एक महिला और एक पुरुष की मकान गिरने से बुरी तरह जख्मी हो गए। हादसा भारी वर्षा के कारण पस्सी आने से हुआ, जिसमें पस्सी के नीचे मकान आ गया। जख्मियों की पहचान मोहम्मद कासिम और शमशदा बेगम बताई जा रही है। जख्मियों को पहले आर्मी हॉस्पिटल नाचलना से जिला हॉस्पिटल बनिहाल के लिए भेज दिया गया। रामबन से हरदेव मनहास की रिपोर्ट। एकजुट जम्मू के चेयरमैन अंकुर शर्मा द्वारा आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए अंकुर शर्मा ने कहा कि जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती पत्रकार वार्ता का आयोजन कर विवादित बयान देकर जम्मू के माहौल को खराब करना चाहती हैं, क्योंकि उनका दिमाग जिहादी है और वो लोगों को आपस में लड़ाना चाहती है। अंकुश शर्मा ने जम्मू कश्मीर के लोगों से अपील की है कि वो महबूबा मुफ्ती के बहकावे में ना आए। जम्मू से रवि शर्मा की रिपोर्ट। जिहादी एक्टिविटीज को आगे बढ़ा रही है, वो एक जिहादी है। दूसरी, ये क्लियर कट इस्टेब्लिश हो गया कि किस तरीके से महबूबा मुफ्ती कंटेंटलेस जो इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे साबित हो गया जो इस पे आरोप भी लगते हैं कि ये कंपैशनेट अपॉइंटमेंट का SRO 43 का एक क्लियर कट केस है कि उनके पिता वायल इन ऑफिस उनकी मृत्यु हुई, अनफॉर्चुनेट था, और सिर्फ उनके पिता की मृत्यु हुई तो उनको ये चीफ मिनिस्टर की नौकरी मिल गई, यानी काबिलियत पे नहीं, इसलिए नहीं कि चीफ मिनिस्टर बनने लायक काबिलियत रखती है। उपमंडल बनी में भारी हिमपात, बनी कस्बे में भी इस वर्ष की पहली बर्फबारी हुई। कस्बे में अब तक 3 से 4 इंच बर्फ जमा हुई और बर्फबारी जारी है। बनी, बसोली और सभी स्थानीय सड़क मार्ग बंद,
बिजली सप्लाई भी प्रभावित हो गई है। बिलावर से दीपक शर्मा की रिपोर्ट। डीडीसी पुंछ ने बीएडीपी के अंतर्गत आने वाले कार्यों की समीक्षा की। इस मीटिंग में एडीसी अब्दुल हामिद, एसीडी, सीपीओ, पीडब्ल्यूडी, एईई, पीडीडी, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, बीएसएफ के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। पुंछ से आकाश मलिक की रिपोर्ट। सुरनकोट में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ रैली का आयोजन सीडीपीओ सुरनकोट द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें कई स्कूलों के छात्रों ने शिरकत की। सुरनकोट से आकाश मलिक की रिपोर्ट। बलाक तुरतुक की विभिन्न पंचायतों के सरपंचों द्वारा आज जम्मू में प्रेस क्लब में एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। इस अवसर पर बोलते हुए सरपंचों ने कहा कि आज तक उनके इलाके के साथ भेदभाव हो रहा है और 1971 से लगातार आज तक उनके साथ भेदभाव हो रहा है। जम्मू से रवि शर्मा की रिपोर्ट। दुर्तुक इलाके से ताल्लुक रखता हूं, तो हम लोग यहां जमा हुए हैं कि हमारे उस इलाके के लिए पिछले गवर्नमेंट ने एक डिग्री कॉलेज हमें सैंक्शन किया गया था। वो कुछ क्या हुआ कि किस रीजन पे है, पिछले हम हाई लेवल जो कमेटी हमारी बनी थी उसमें जो 28 कॉलेजेस जो सैंक्शन हुआ था उसमें हमारा नाम नहीं था, उससे बड़ी दुख और हमें तकलीफ हो गई। भारी बारिश के बावजूद आज भी जारी रहा एनएचएम कर्मचारियों का धरना। कर्मचारियों ने कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। जम्मू से रवि शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल जेके खबर नाउ टॉप न्यूज में इतना ही। जम्मू कश्मीर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए जेके खबर नाउ। आप हमारा फेसबुक पेज जेके खबर नाउ पे लाइक कर सकते हैं और अगर आपकी कोई न्यूज है तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपने नाम और फोटो के साथ हमें भेज सकते हैं। नमस्कार। एम हुंडई और एस्ट्रो महिंद्रा एंड महिंद्रा आउटलेट में मौजूद है। अब ये सुविधा बिलावर के अंदर शुरू होने से बिलावर बसोली बनी के लोगों को काफी सुविधा मिलेगी। आप इन दो कंपनियों की कोई भी गाड़ी बिलावर के एम हुंडई शोरूम में आकर खरीद सकते हैं, जिसका पता है एम हुंडई नियर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बिलावर अपोजिट वुडसा मिल। दूरभाष नंबर है 8493855057 और 7006423499।